अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शाही, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फ्रेंड्स बताऊंगी एक चीज़ से, एक स्टफिंग से, मैंने एक चिकन स्टफिंग से कितने सारे नाश्ते बना के तैयार किए हैं, जो कि आप भी बना सकते हैं। रमज़ान का महीना चल रहा है, तो अगर आप एक स्टफिंग चिकन की बना लेते हैं तो उससे बहुत सारे डिशेज़ बना सकते हैं। तो चलिए मैं बनाना बताती हूँ कि इतनी सारी चीज़ें कैसे बनाई मैंने। तो सबसे पहले यहाँ पे गैस पे पैन छोड़ा दिया, उसमें मैंने डाले है 25 ग्राम ऑयल, रिफाइन ऑयल डाला है। बस इसको अच्छे से गर्म कर लेना है और इसमें थोड़ा सा 1/4 कप यहाँ पे 1/4 टीस्पून यहाँ पे गार्लिक और जिंजर का पेस्ट थोड़ा थोड़ा ऐड किया है, थोड़ा सा बारीक कटा प्याज, थोड़ा सा ग्रीन चिली मैंने ऐड किया है यहाँ पे, 200 ग्राम मैंने चिकन के कीमा जो होता है चिकन का वो मैंने ऐड कर दिया। इसको मैंने शेडेड चिकन बनाना है, इसमें मैंने एक वन टीस्पून यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक ऐड किया है और बस चिकन को थोड़ा सा भून लेना है। और बस यहाँ पे इसमें 1/2 कप पानी डाल दीजिए जिससे चिकन थोड़ा सा गल जाए। बस थोड़ा सा जब गल जाएगा तब इसको शेडेड कर देना है हम लोगों को। तो बस इसको ढक के कवर कर देना है 5 से 7 मिनट के लिए। देखिए 5 से 7 मिनट हो चुका है, सारा पानी इसका सूख चुका है। तो बस सारे चिकन को जो है थोड़ा मैश कर देना है दबा दबा के आपको, क्योंकि मैं इसका स्टफिंग तैयार करूँगी। तो बस इस चिकन को, सारे चिकन को बस मैश करना है मुझे। एक फ्लेवर के लिए मैंने चिकन इसमें ऐड किया है, तो जैसे दबा दबा के मैं मैश कर रही हूँ बस इसी तरीके से मैश कर लीजिए आप भी। बस जब मैश हो जाए तो यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ली हैं मैंने, जैसे कि आपका बारीक कटा गाजर लिया है, शिमला मिर्च है, कैप्सिकम लिया है और मैंने बीन्स लिए हैं और बांधा गोभी के कुछ टुकड़े लिए हैं। तो बस सारे सब्जियों को बारीक टुकड़ों में काट के इसमें ऐड कर देना है इस चिकन में, और बस अच्छे से चिकन को इस सब्जियों में अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस 2 से 3 मिनट के लिए इसको इसमें मिक्स करके पका लेना है थोड़ा सा, और बस थोड़ा सा पानी ऐड करना है मुझे यहाँ पर थोड़ा सा, कि सब्जी थोड़ा सा गल जाए, क्योंकि चिकन तो ऑलरेडी मैंने गला लिया है। बस सब्जी थोड़ा सा गलने के लिए मैंने इसमें 2-3 पानी डाला है, और बस चाट मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून डाल देना है और बस कवर कर देना है। तो देखिए यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुका है, तो मेरा सब्जी गल चुका है। अब यहाँ पे मुझे इसमें चिकन के स्लाइसेस ऐड करने हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे क्रीमी स्टफिंग बना रही हूँ, तो चिकन इसमें ऐड करने से बहुत टेस्टी इसमें लाजवाब सा टेस्ट आ जाएगा। और इसमें ऑरेगानो एक थोड़ा सा और चिली फ्लेक्स, और यहाँ पे मैंने चिली सॉस ऐड किया है, टमाटो केचप नहीं है, चिली सॉस है। बस इससे क्या होगा, इसका स्टफिंग का जो अंदर का फ्लेवर है वो थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा। बस इसको स्टफिंग को 2 मिनट के लिए और थोड़ा सा मिला लीजिए ताकि चीज़ जो है मेल्ट हो जाए। अब स्टफिंग नहीं तैयार है, चलते हैं अब इसको फिलिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक शीट लिया है, तो सबसे पहले मैं स्प्रिंग रोल बनाना बताऊँगी आपको। तो मैंने एक शीट ले लिया है, यहाँ पे इसकी फिलिंग को मैं फिल कर रही हूँ। मैं शीट बनाने की भी वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, तो आप लोगों से अगर परफेक्ट शीट नहीं बनता है तो इसका परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा उस वीडियो के लिए। तो बस देखिए इसको स्टफिंग डालने के बाद इसको बस फोल्ड करना है ऐसे, दोनों तरफ से आप फोल्ड कर लीजिए दोनों साइड को। और मैंने मैदे का थोड़ा सा मिक्सचर भी तैयार कर लिया है, पानी में थोड़ा सा 1 टेबल स्पून मैदे को घोल के इसका एक पेस्ट बनाया है मैंने, जिसको बस स्प्रिंग रोल बनाने में मुझे आगे लगने वाला है। तो देखिए मैंने मैदे का सारा घोल जो है सारे चारों तरफ लगा लिया है, चिपका लिया है। अब बस इसको धीरे धीरे से आपको फोल्ड करना है। तो देखिए मैंने धीरे धीरे जैसे फोल्ड कर लिया है, बस इसी तरीके से मेरा स्प्रिंग रोल का फोल्डिंग भी अच्छे से तैयार हो गया है, बस इसको अलग कर लेना है। अब चलिए मैं एक छोटा स्प्रिंग रोल तैयार कर लेती हूँ, जैसे कि उसे मैं मुझे क्रिस्पी स्प्रिंग रोल बनाना है। और ये मैं सिंपल से एक स्प्रिंग रोल बना रही हूँ, जो एकदम नॉर्मल सा जो बाहर की मार्केटों में मिलता है। तो बस इसकी छोटी सी लेयर ली है मैंने, छोटा सा शीट लिया है, और बस इसमें भी चारों तरफ मैदे का घोल ऐसे लगा लेना है, चिपका लेना, और बस सिंपल तरीके से इसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है। आप देख पा रहे होंगे कितना ईजिली मैंने फोल्ड कर दिया है, तो बस इसको भी रखते हैं आप साइड में। अब चलते हैं ब्रेड के, मैंने यहाँ पे ब्रेड पॉकेट रोल भी मुझे तैयार करना है, तो मैं वो भी तैयार करके आपको दिखा दे रही हूँ कि ब्रेड पॉकेट रोल आप कैसे यहाँ पे बना सकते हैं इसी स्टफिंग से। स्टफिंग हमेशा सेम ही रहता है और बस प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो ब्रेड के सारे साइड के स्लाइसेस मैंने काट के निकाल लिए थे, और बस इसको थोड़ा सा बेलन की मदद से बेल के इसको ये कर लिया मैंने थोड़ा, और बस इसमें मैदे का घोल चारों तरफ लगा दिया, बिक्स में जो है इसकी फिलिंग ऐड कर दी, और बस इसको दोनों तरफ साइड से ऐसे फोल्ड करके साइड के सारे जो चिपका दिए हैं मैंने। अब
देखिए इसी तरीके से मैंने दो ब्रेड पॉकेट रोल भी बना लिए। अब बाकी का मिक्सचर बच गया है, तो आप कैसे कटलेट बना सकते हैं, चिकन कटलेट, तो ये भी मैं बता रही हूँ। चिकन कटलेट का जो है चीज़ चिकन कटलेट है वो सेम इसी प्रोसेस से बनता है। बस इसमें थोड़ा सा मैंने दो ब्रेड के स्लाइसेस ऐड कर दिए थे चिकन के स्टफिंग में, और बस कटलेट का शेप दे दिया मैंने। अब देखिए सारी चीज़ें मेरी बन के तैयार हो गई हैं, तो चलिए इसको वन बाई वन फ्राई करने का भी प्रोसेस बताऊंगी मैं। पहले इसके क्रम्स को थोड़ा मैं कोटिंग कर देती हूँ। तो स्प्रिंग रोल जो मैं क्रिस्पी वाला बनाने वाली हूँ, तो उसको मैंने पहले मैदे में डीप किया है, उसके बाद देखिए ब्रेड क्रम्स में डीप कर लिया। कितना अच्छा सा ये बन के तैयार हो गया है। और अब दूसरा वाला जो है मैं ब्रेड का स्टफ मैंने लिया है, ब्रेड जो पॉकेट है उसको भी ऐसे मैदे में डिप कर लिया है, और बस इसको भी क्रम्स में ऐसे ऐड कर लिया है। तो इसी तरीके से दोनों ब्रेड का अच्छे से क्रम्स में फिल कर देंगे और बस इसको साइड में रख देंगे। और यहाँ पे कटलेट को भी सेम प्रोसेस करना है। आप चाहे तो मैदे के अलावा यहाँ पे अंडा भी घोल के रख सकते हैं, अंडा भी फेट के आप ले सकते हैं क्रम्स ऐड करने में। तो मैंने मैदे का ही घोल ऐड किया है। तो देखिए टिक्की में भी बहुत अच्छे से मैंने लगा दी है, टिक्की बोल सकते हैं आप इसको, कटलेट भी बोल सकते हैं। तो तीनों चारों मेरे स्टफिंग तैयार हो चुकी है अच्छे से। चलिए ऑयल गरम कर लिया है सारी चीज़ों को। पहले मैं छोटा छोटा सा मैंने यहाँ पे ब्रेड पॉकेट ऐड किया, और मैंने स्प्रिंग रोल जो मैंने स्मॉल वाला यूज़ बनाया था उसको भी मैंने ऐड कर लिया है। तो इसी तरीके से देखिए 2 से 3 मिनट के लिए इसको पहले ऑयल में डाल के छोड़ देना है, ताकि थोड़ा सा ये अपना सेफ ले ले। उसके बाद इसको बस आपको पलटते रहना है, धीमी आंच पे इसको प्रोसेस को करना है। देखिए तो ब्रेड पॉकेट रोल का कलर बहुत अच्छा सा आ गया है, तो मैंने निकाल लिया है। अब मैंने टिक्की जो है मैंने कटलेट जो चिकन का है वो भी डाल दिया है इसमें, स्प्रिंग रोल भी हो चुका है मेरा। तो कटलेट डालने के बाद अब जो मैंने क्रिस्पी स्प्रिंग रोल तैयार किया है, जो क्रम्स में लगा के तैयार किया है, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो मेरा देखिए कटलेट भी तैयार हो चुका है, बहुत प्यारा सा कलर आ गया है इसका। इसको भी साइड में रख लेते हैं। अब स्प्रिंग रोल को भी दोनों तरफ से अच्छा क्रिस्पी फ्राई कर लेना है आपको। तो कुरकुरा सा क्रिस्पी फ्राई हो चुका है। तो चलिए सारी चीज़ें मेरी बन के आज तैयार हो गई है। तो यूनिक वीडियो बनाया है मैंने आज कि एक स्टफिंग से मैंने कितनी चीज़ें बना के तैयार की है। फ्रेंड्स आप भी ऐसा कर सकते हैं, ये आइडिया बहुत ही ज़बरदस्त है जो आपको मदद करेगा सब चीज़ें बनाने में। एक स्टफिंग से आपने इतनी चीज़ें तो कभी तैयार की नहीं होंगी, तो आप भी तैयार कर लीजिए। वीडियो मेरा कैसा लगा है बताइए मुझे कमेंट्स में। तो चलिए देखिए मैं काट के दिखाती हूँ आपको स्प्रिंग रोल का टेक्सचर अंदर का। ये क्रिस्पी वाला एक स्प्रिंग रोल है जो बहुत ही क्रिस्पी है, आप देख पा रहे होंगे इसका क्रीमी टेक्सचर अंदर का कितना लाजवाब दिख रहा है। अगर इस रमज़ान में इसको बना के इफ्तार में सर्व करते हैं तो सबको बहुत पसंद आने वाला है। ये सब जो अंदर का क्रीमी टेक्सचर है जो सभी चीज़ों का, देखिए जो मैं तोड़ तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत लाजवाब है। तो वीडियो मेरा आज का ये मल्टीपल रेसिपी का अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करिएगा कि कैसा लगा वीडियो मेरा और रेसिपी मेरी कैसे लगी। नए हैं मेरे चैनल में तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपना ध्यान रखिएगा। और एक स्टफिंग में ये सारी रेसिपी बना के आप भी तैयार करिएगा घर में, ताकि सब आपकी तारीफ़ें करते रह जाए। और चलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हो जाऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।